नाजरीन, यहाँ हम देंगे आपको एक अहम खबर। पंजाब हुकूमत के 130 असिस्टेंट कमिश्नर्स ने एडिशनल सेक्रेटरी पंजाब इरम बुखारी को एक ख़त लिखा है, जिसमें उन्होंने इस्तदा की है कि मोबाइल फ़ोन ऐप के ज़रिए उनकी मॉनिटरिंग करना इंतहाई गलत इकदाम है। उन्होंने कहा है कि उनकी दिन भर कहीं मसरूफियात होती हैं, उनके पास स्टाफ भी बहुत कम है, खुदारा हमें इज़्ज़त दीजिए। इस खत के बारे में मज़ीद तफ़सीलात जानने के लिए हमने राबता किया है रिपोर्टर डेस्क की नुमाइंदा निमरा सज्जाद से। जी निमरा, बताइएगा कि आपके पास इस बारे में मज़ीद क्या तफ़सीलात हैं। पंजाब के 130 असिस्टेंट कमिश्नर्स ने कारकर्दगी जांचने की मोबाइल ऐप मुस्तरद कर दी और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब इरम बुखारी को खत अरसाल कर दिया, जिसकी कॉपी चीफ सेक्रेटरी पंजाब को भी भिजवाई गई है। दस्तखत खत में अफसरों ने भी कहा है कि फील्ड में काम के वक्त जो मोबाइल का इस्तेमाल करना नामुमकिन है, इख्तियार दिए बगैर काम करने का कहा जाता है, लेकिन मोबाइल एप्लीकेशन से अफसरों की कारकर्दगी जांचने का तरीक़ाकार जो है वो बिल्कुल गलत है। हर दो तहसीलों के हालात मुख्तलिफ हैं और कुछ तहसीलें रेवेन्यू और कुछ शहरी तहसीलें हैं, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर्स की कारकर्दगी पहले ही कई मोबाइल ऐप्स पर मॉनिटर हो रही है, जिनमें चीफ सेक्रेटरी, वज़ीर आज़म पोर्टल, कीमत पंजाब और मज़ीद एप्लीकेशन जो हैं वो भी शामिल हैं। इसके बाद जो ख़त में कुछ अफसरों के जो दस्तखत हैं वो भी जाली हैं, लेकिन अब अफसरों को फील्ड में निकलना पड़ेगा ताकि बेहतरी लाई जा सके। बहुत शुक्रिया।